जय हिंद। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिस पर लोग अक्सर गौर नहीं करते, अगर आपको याद हो पिछली दिवाली पर एक वीडियो किया था जिसमें सबसे पहले बोला था कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को बायकॉट कीजिए। वो बात पुरानी हो चुकी है कि हिंदू चीनी भाई भाई वो पहले हुआ करते थे। मुझे तो नहीं पता, मुझे तो याद नहीं है कि हम 70 के पहले भी जो युद्ध कर चुके हैं, तो मुझे याद नहीं है, पता नहीं भाई बहन वाला कब था। हमें ये याद करना पड़ेगा और हमारी ये जिम्मेदारी पड़ती है। सबसे बड़ी चीज ये है कि सिर्फ फौज नहीं लड़ेगी यार, आपको देश से यहां से अंदर से सपोर्ट करना पड़ेगा। फौज है क्या, भारतीय सेनाएं हैं क्या? मैं जब भी बात करता हूं उनकी, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है आर्टिकल 51 अल्फा, जिस पर एक पूरा वीडियो करेंगे कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, उसमें से एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि 5-10 रुपए हम बचाने के लिए एक गोली स्पॉन्सर कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान के थ्रू कर रहे हैं चाहे चाइना के थ्रू कर रहे हैं। देखिए, आपको यह समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की फंडिंग, चाहे वो 26/11 के पहले हो चाहे जितने भी आतंकवादी गतिविधियां हो, वो करने वाला चाइना है। आप क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम सबको बताएं। लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट प्रेजेंट। पहला सॉल्यूशन आप ये कर सकते हैं कि बायकॉट द चाइनीज प्रोडक्ट्स, चाहे कोई भी चीज हो, त्यौहार हो चाहे नॉर्मल चीजें। आपको कोशिश ये करना है कि आप जितना कम से कम चाइनीज प्रोडक्ट्स का यूज करें वो उपयोग करें। मैंने शुरू कर दिया है, मैंने बहुत ब्रांडेड वॉचेस पहनना छोड़ दिया। इंडियन प्रोडक्ट्स, ट्राई टू यूज द इंडियन प्रोडक्ट्स, नंबर वन। नंबर दो, आप ये याद करिए और ये कोशिश कीजिए, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं यार, लेकिन चाहे ओप्पो हो चाहे वीवो हो चाहे कोई भी हो, हमें एक चीज सीखना पड़ेगी चाइना से, वो है पेट्रियटिज्म। इसराइल और चाइना, ये दो ऐसे देश हैं जिनसे हमें देशभक्ति, देखिए सीखना इन द सेंस थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगी, क्योंकि हमारे इधर ना देशभक्ति की कमी है, ना वीरों की, ना योद्धाओं की, बस ये कि हम लोग अपने ही में लड़े मरे जा रहे हैं। सो आई डू नॉट वॉन्ट दैट आर कंट्री शुड फाइट फॉर दैट। सीधी सी बात यह है कि आपको, हमको मिलकर, हर इंसान को मिलकर चाइना का हर लेवल पर बायकॉट करना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ी चीज है जिस पर पूरा एक वीडियो करने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम एकता, फिर से करूंगा और फिर से गद्दारों की जलेगी, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं सिर्फ आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में लड़ाकर। आपको बचना पड़ेगा और चाइना जैसे बड़े बड़े प्रॉब्लम से हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं, पहला बायकॉट करिए जितने भी चाइनीज प्रोडक्ट है। दूसरा, ये जितनी मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे इधर क्या कलाओं की कमी है, हमारे इधर क्या युद्ध नीतियों की कमी है, हमारी फौज एक बात आ रही है। यहां पर मैं कभी अभी किसी को देख रहा था, बड़ा एक मार्शल आर्टिस्ट है जो शाओलिन कुंफू प्रमोट करते हैं, जो कुंफू चाइनीज मार्शल आर्ट प्रमोट करते हैं। अरे धिक्कार है तुम लोगों के ऊपर यार, हिंदुस्तान की कलाओं को क्यों प्रमोट नहीं करते हो? इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, आप यहां से लोगों को शाओलिन टेम्पल ऑफ चाइना ले जाते हो या चाइना ले जा रहे हो वहां पर विजिट कराने के लिए टूरिज्म के नाम पर। बंद करो टूरिज्म पूरा चाइना का, हिंदुस्तान यार हर जर्रा जन्नत है, कोशिश करो हिंदुस्तान घूमने की। आप वहां ले जाते हो, आप वहां पर एक फॉरेन करेंसी इंडिया की उनको दे रहे हैं और वो ही इनडायरेक्टली करके स्पॉन्सर करते हैं। तो ये हम सबको याद रखना पड़ेगा और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तानी फौज का सपोर्ट करें, क्योंकि आपके ऊपर कर्ज है, आपको ये एहसान नहीं कर रहे हैं फौज के ऊपर। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।